फ्रेंड्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूँ अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में डिस्कशन रह गया था, न्यू हेडिंग है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट फॉर्म। सर्कल की पॉइंट फॉर्म याद है? Yes, ऐसे पैराबोला भी है। मान लो एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4x। इसके किसी भी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट खींचनी है। तो मैंने सर्कल में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व में टेंजेंट की इक्वेशन होती है टी बराबर 0। तो पैराबोला भी एक क्वाड्रेटिक कर्व ही है। पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही होती है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4x को मैंने क्या मान रखा था? s मान रखा था। अब मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है टी बराबर 0 फॉर एनी क्वाड्रेटिक कर्व। तो वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं? वाई वाई वन माइनस 4a, x को x प्लस एक्स वन बटा 2 बराबर 0। ये चीज़ मैंने बताई थी सर्कल में कि एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बट्टा 2, खाली एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई 2 और ओनली वाई को वाई प्लस वाई वन बाई 2। याद आया? तो अगर ये किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व की तुम्हें पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी टी बराबर 0। टी वाई स्क्वायर को लिखो वाई वाई वन माइनस 4a, एक्स को लिखो एक्स प्लस एक्स वन बाई 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रखा है, तो 2 से 2 काट दो यार। तो वाई वाई वन माइनस का कितना 2a एक्स प्लस एक्स वन बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन पॉइंट फॉर्म। पैराबोला के पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। चाहो तो इसको और ढंग से लिख सकते हैं। ये वाई वाई वन बराबर कितना हो जाएगा 2a x प्लस 2a x1, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन y1, y की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन y1 x और 2a इंटू x1 अपॉन y1, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में। पर ये सब याद रखने से अच्छा है ये तरीका याद रखो, तुम्हें टेंजेंट लिखनी है तुम t बराबर 0 करो, इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा तरीका क्या है करने का? दूसरा तरीका है डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन। और किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन बराबर इस लाइन की स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या निकालनी पड़ेगी अब? स्लोप। ये पैराबोला है, इस पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस पैराबोला के इस पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए, तो डिफरेंशिएशन कर दो 2y dy by dx बराबर 4a ओनली x का वन। तो स्लोप आ गई dy by dx यानी m, वो आ गई 4a अपॉन में 2y। जिस पॉइंट पर चाहिए वो पॉइंट रख दो तो y1, तो स्लोप क्या आ गई 2a अपॉन y1। ये तो देखो y बराबर mx प्लस c, तो स्लोप 2a by y1 है। स्लोप रखो, इक्वेशन आ जाएगी सेम टू सेम आ जाएगी। आया समझो? किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है ना, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है ये, और वो होती है टी बराबर 0। सीधा सीधी बात है, पैराबोला की इक्वेशन में वाई स्क्वायर को लिख दिया वाई बाई वन और एक्स को लिख दिया एक्स प्लस एक्स वन बाई 2। नोट सेकेंड है पैरामीट्रिक फॉर्म। अब अपन को पैराबोला में किसी टेंजेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल सी बातें हैं, फिर से ये पैराबोला है, इस बार उस पॉइंट की जगह है 80 स्क्वायर कॉमा 280। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब इस पैरामीटर वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिया है, और ये पॉइंट कोई भी हो सकता है क्योंकि टी वेरिएबल है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी मैंने, एक पैराबोला, इस पैराबोला के किसी पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर क्या खींच दिए बेटा? टेंजेंट। अब सुनो, अभी पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी मैंने,
पॉइंट फॉर्म क्या है भाई, अगर तुम x1 y1 पर टेंजेंट खींचते हो तो t बराबर 0 करते हो, t 0 किया था तो y स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 इस पैराबोला की टेंजेंट, और y y1 माइनस 4a x प्लस x1 by 2 इक्वल टू 0, तो y y1 दो से गया माइनस का 2a x प्लस x1 बराबर 0, तो y y1 बराबर 2a x प्लस x1, ये उस टेंजेंट की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस बार पॉइंट x1 y1 की जगह कौन है, 80 स्क्वायर कॉमा, तो y1 की जगह 280 रख दूं और x1 की जगह क्या रख दूं 80 स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म जैसी ही होती है, y y1 की जगह कितना 280 बराबर 2a x प्लस x1 की जगह 80 स्क्वायर, तो 2a से 2a कट गया, ty बराबर आ गया x प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई टी एक्स प्लस 80, यानी यहाँ पता चलता है कि इसकी स्लोप क्या है, यहाँ पर 1 बाई टी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप है 1 बाई टी, ध्यान में रखिएगा, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होती है भाई, ये पैराबोला है, इस पैराबोला में आपको निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन। मान लो इस बार इस टेंजेंट की स्लोप है m, क्योंकि स्लोप फॉर्म बतानी, तो स्लोप फॉर्म होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, किसी लाइन की स्लोप फॉर्म यही होती है। ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, इसका मतलब d बराबर क्या होगा 0, तो 16 a इंटू ए माइनस एम सी बराबर क्या होगा 0, ये 0 में चला गया, a माइनस एम सी बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया एम सी, तो c की वैल्यू आ जाएगी a बाई एम, तो स्लोप फॉर्म आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, क्योंकि c की वैल्यू a बाई एम है, ये तो मैंने पहले से पढ़ रखी थी। तो इसमें कुछ नया सिखा देता हूँ, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते थे 80 स्क्वायर कॉमा 280, पर अभी मैंने बताया था जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जो t है पैरामेट्रिक फॉर्म में वो होता है 1 बाई एम के बराबर। मैंने कहा था इसकी स्लोप है 1 बाई टी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटा एम, तो इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो या तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 ध्यान रखो, या फिर t की जगह 1 बाई एम पुट कर दो, तो a बट्टा एम स्क्वायर कॉमा 2a बट्टा एम, दिस इज द POC पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पूछ लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड पैराबोला, अगर तुम्हें स्लोप पता है तो a बट्टा एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, और यही 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ठीक है क्या, नोट करो। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्वेश्चन है फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुज y इंटरसेप्ट इज 2। आपको ये पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी इसको कंपेयर करते हैं 4ax से, तो a मतलब 1 है, a है 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसका y इंटरसेप्ट कितना है 2। तो बेटा y बराबर एम एक्स प्लस सी में ये जो c होता है वो y इंटरसेप्ट ही तो होता है, तो c दे रखा है टू फॉर पैराबोला, ठीक है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, तो y बराबर m, m पता है क्या कहा है, सी इक्वल टू ए बाई एम होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इक्वल टू ए बाई एम, सी कितना है 2, ए कितना है
वन अपॉन एम, तो यहाँ से बेटा एम आ गया हाफ, एम पता है तो एम रख दिया हाफ एक्स प्लस ए बाई एम, वो तो सी होता है और सी कितना है टू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस टू या टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, कुछ नहीं, इसने बस वाई इंटरसेप्ट दे दिया सी, तो सी दिमाग में आती पता है टेंजेंट की कंडीशन ए बाई एम बराबर टू, क्योंकि सी इक्वल टू होता है ए बाई एम, तो सी की वैल्यू ए बाई एम में ए की वैल्यू पुट करी, ए यहाँ पर वन है देखो फोर एक्स में, तो उससे एम आ गया हाफ, नोट करो।